नमस्कार, मैं श्रावणी, स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ लड्डू या मोदक का रेसिपी, जो कि बहुत ही टेस्टी है और ये बना है पोहा से। तो चलिए देखते हैं पोहा से कैसे बनता है ये लड्डू। और ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। तो देखिए, पहले तो मैं पोहा ली हूँ, इसमें बादाम ली हूँ, ये ली हूँ गुड़। गुड़ आग के बदले में आप शुगर यूज़ कर सकते हैं। ये कर्पूर ली हूँ और ये देखिए मैं ली हूँ इलायची और लौंग। और इसमें देखिए मैं नारियल, जो कि हाफ कप नारियल में ली हूँ, और कुछ ड्राई फ्रूट्स ली हूँ। और इसमें मैं घी ली हूँ, जो दो बड़े चम्मच हम यूज़ करेंगे। तो देखिए, मैं एक पैन गरम करने के लिए बिठा दिए और उसमें अभी मैं डालूंगी पोहा। और ये पोहा को थोड़ा सा हम रोस्ट करेंगे। इसको ज़्यादा हम लोग का रोस्ट नहीं करेंगे, थोड़ा सा इसका कलर चेंज होने के जैसा हम ड्राई रोस्ट करेंगे। तो देखिए, अभी धीरे धीरे इसका कलर चेंज हो गया। अभी इसको हम एक प्लेट में निकाल देंगे। तो देखिए, इसको एक प्लेट में निकाल दी। तो सेम बर्तन में हम क्या करेंगे, अभी इसमें मैं डालूंगी पीनट्स, और पीनट्स को भी वैसे हम ड्राई रोस्ट करेंगे, थोड़ा सा भून लेंगे। और आपको पता है पीनट्स को हम ज़्यादा भूनने से अच्छा नहीं लगता, थोड़ा कड़वा टेस्ट होता है, तो थोड़ा सा भून के हम निकाल देंगे। तो देखिए, अभी सेम बर्तन में मैं थोड़ा साइड करके ये पीनट्स को भी रख दी। तो देखिए, अभी वही पोहा को हम अभी मिक्सचर जार में डाल के इसको पाउडर कर देंगे। और ज़्यादा आपको पाउडर करने का, ज़्यादा फाइन पाउडर करने का ज़रूरत नहीं है, इसको दरदरा करके छोड़ देंगे। और सेम प्रोसेस में हम क्या करेंगे, पीनट्स को भी ऐसे कर देंगे। तो देखिए, अभी मैं एक बड़ा सा बर्तन में पहले पोहा और वो पीनट्स सब को लेके अच्छे से उसको मिला लिया। तो ये प्रोसेस के लिए आप एक थोड़ा सा बड़ा बर्तन लेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी देखिए, हम इसमें नारियल डाल रहे हैं, तो नारियल को डाल के इसको अच्छे से मिलाएंगे। और जितना इसको जितना अच्छे से मिलाएंगे, ये लड्डू उतना स्वादिष्ट बनेगा। तो अभी हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे कर्पूर। और ये कर्पूर थोड़ा खाने का कर्पूर है, जैसे हम लोग जो भगवान के पास जलाते हैं वही वाला नहीं, खाने का कर्पूर मिलता है, वो बहुत ही अच्छा रहता है। और इसमें अभी मैं डालूंगी जो आपको दिखाई थी इलायची, इलायची का पाउडर और लौंग का पाउडर सब मिला के इसको डाल ली। और हमेशा हम लोग इलायची का पाउडर, जो ग्रीन इलायची रहता है वही डालते हैं, मगर ये काला इलायची का पाउडर डालेंगे ना, देखेंगे पूरा मंदिर जैसा, मंदिर में जैसे प्रसाद चढ़ता है ना, वैसे ही टेस्ट आएगा, बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप ये ट्राई करेंगे। तो ये मिक्सचर में आप शुगर भी डाल सकते हैं, मगर शुगर को जब डालेंगे पाउडर करके डालेंगे। और अभी मैं डाल रही हूँ जैगरी। और देखिए, ये जैगरी थोड़ा सा मेरा मीन्स ज़्यादा मेल्टेड नहीं है और ना ज़्यादा हार्ड है, नॉर्मल है, तो ये अच्छे से वो मिक्स हो जा रहा है। मगर आपका अगर हार्ड रहता है तो आप मिक्सर जार में डाल के वैसे उसको पाउडर करके ये प्रोसेस कर सकते हैं। मगर ये प्रोसेस का मेन है, आप जितना अच्छे से उसको हाथ से मिलाएंगे और उतना ये स्वादिष्ट और टेस्टी बनता है। तो देखिए, अभी इसको हमें बाइंडिंग करना है। तो बाइंडिंग के लिए हमें क्या चाहिए, हमें घी चाहिए। तो आप क्या करेंगे, जो मैं आपको पहले घी दिखाई थी, तो वो एक पैन में गरम करने के लिए बिठा देंगे। देखिए, मैं अभी गरम करने के लिए बिठा दी और ये गरम हो गया। अभी इसमें जितने सारे ड्राई फ्रूट्स ली हूँ उसको डाल दी, वो थोड़ा फ्राई हो गया। अभी वो गरम घी इसके ऊपर डाल रही हूँ। और ये अभी आप अगर हाथ देंगे तो हाथ गरम लग सकता है, तो आप क्या करेंगे, एक स्पैचुला लेके इसको अच्छे से मिलाएंगे। तो देखिए, स्पैचुला लेके मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दी। तो चलिए, अभी चलते हैं लड्डू बनाने। तो देखिए, मैं कितने अच्छे से टाइटली लड्डू बना रही हूँ। आप इसको जितना हाथ से अच्छे से टाइट करके लड्डू बनाएंगे, इसका शेप उतना ही अच्छा होगा। देखिए कितना सुंदर दिख रहा है, पूरा ड्राई फ्रूट्स इसमें दिख रहा है और कितना अच्छा लग रहा है। तो अभी हम चलिए आपको मोदक बनाना सिखाते हैं। तो मोदक बहुत ईजी है, जिसके पास मोदक का मोल्ड होगा वो तो आराम से इसको कर सकते हैं, मगर जिसके पास नहीं होगा तो देखिए कैसे बनता है। तो आप ऐसे लड्डू जैसा पूरा शेप करेंगे। तो इतना देखिए मैं कितना अच्छे से टाइट से कर रही हूँ। उसके बाद क्या करेंगे, ऊपर से ऐसे थोड़ा सा उठाएंगे। देखिए, तो दिख रहा है ना मोदक जैसा, मगर मोदक का शेप आने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए ऐसे
एक आइदर आप नाइफ कर सकते हैं, मैं स्पून से कर रही हूँ तो स्पून से लेके ऐसे थोड़ा थोड़ा मार्क कर देंगे, नहीं तो आप टूथपिक भी यूज कर सकते हैं। देखिए कितना अच्छा दिख रहा है, हो गया ना आपका मोदक। तो देखिए कितना जल्दी और कितना स्वादिष्ट और कितना टेस्टी लड्डू, अंदर से बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स। वाव, आप इस बार गणपति जी को ऐसे ही लड्डू और मोदक चढ़ाइए प्रसाद में। अगर ये वीडियो अगर अच्छा लगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और ये वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू।